साल था 1923, यानी असहयोग आंदोलन के बाद आजादी के संघर्ष के परवान पर चढ़ने का दौर। नागपुर में फ्लैग सत्याग्रह के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हीं में एनएस हार्डिकर द्वारा स्थापित हुबली सेवा मंडल के सदस्य भी थे। अंग्रेजों ने उनको तोड़ने, डराने, मनाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो विफल साबित हुई। और इसी दौरान जेल में रहते हुए ही एनएस हार्डिकर के मन में एक विचार आया, सेवा दल के गठन का। एक ऐसा संगठन जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर उनमें फौजी अनुशासन और ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने का मजबूत जज्बा पैदा कर सके। जेल से बाहर आते ही हार्डिकर जी ने इलाहाबाद जाकर नेहरू जी से मुलाकात की और सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले एक लड़ाका संगठन की स्थापना पर चर्चा की। 1923 में सरोजनी नायडू ने हिंदुस्तानी सेवा दल बनाने का प्रस्ताव रखा। पंडित नेहरू जी को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। यही संगठन आगे चलकर कांग्रेस सेवा दल के रूप में जाना गया। सेवा दल के गठन के तुरंत बाद 1924 के बेलगाम अधिवेशन में सेवा दल को साफ सफाई और सुरक्षा का जिम्मा दिया गया और इससे प्रभावित होकर स्वयं गांधी जी ने माना था कि हार्डिकर जी और सेवा दल के बगैर कांग्रेस का अधिवेशन सफल नहीं हो पाता। आजादी के आंदोलन में कांग्रेस सेवा दल के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1932 में सेवा दल की क्रांतिकारी गतिविधियों और लोकप्रियता से घबराकर अंग्रेजी हुकूमत ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। सेवा दल की लोकप्रियता और महत्व का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि पंडित नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी जी तक सबने सेवा दल को कांग्रेस का सच्चा सिपाही कहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस सेवा दल की ताकत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि नेहरू जी के साथ ही देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु जैसी हस्तियां कांग्रेस सेवा दल से जुड़ी रही हैं और सदस्य रहे हैं। कांग्रेस सेवा दल हमेशा से भारतीय जन समाज की रीढ़ रही है। कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस की मजबूती रही है। कांग्रेस सेवा दल की मजबूती का मतलब है देश की मजबूती, क्योंकि सेवा दल के विचार में देश महत्वपूर्ण रहा है, कोई धर्म, संप्रदाय, जाति या वर्ग नहीं। इसी धरोहर की आज देश को जरूरत है।